मित्रों, हम सब लोग यहाँ पर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के सत्कार के लिए, उन्होंने आंबेडकरी आंदोलन के लिए अपने संपूर्ण जीवन भर जो कार्य किया, उस कार्य को समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। और उन्हें जानने के लिए आज के इस उपलक्ष्य में, स्वागत के उपलक्ष्य में दो शब्द व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्णा कांबळे सर। 78 में पहली बार ऑल इंडिया समता दल का एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, पंचकुनिया रोड में। डॉक्टर बाबा साहेब का जो वहाँ एक सेंटर है उसके नज़दीकी हुआ, अम्बेडकर भवन के नज़दीक। और उस वक्त पहली बार बाली साहब भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए। और उसके बाद मुझे याद है कि उस वक्त हम अम्बेडकर भवन में रहते थे और वहाँ कार्यक्रम हुआ दो दिन का। बाली साहब का नाम जैसा भीम पत्रिका से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार बाली साहब का नाम भगवान दास से जुड़ा था। भारतवर्ष में ये दो लोग ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बारे में बाली और भगवान दास जैसा जोड़ा जाता था। और उस वक्त इवन महाराष्ट्र के लोगों को लगता था कि ये दो लोग हैं कि शायद इस बाबा साहेब अम्बेडकरी आंदोलन को ये कुछ मोड़ दे सके। और उस वक्त समता दल एक बड़ी शाखा में बड़े पैमाने पे उभरा। समता दल भगवान दास और एल आर बाली के कॉन्टैक्ट के कारण भारत के कई राष्ट्र, कई स्टेट्स में गया, वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है 1978 से 1985-86 उसके 90 तक भी ये समता दल ने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया, अभी भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद 1982 में एक आगरा में मीटिंग हुई, मैं कुछ मेरे जो याददाश्त थे वो मैं आपके लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि शायद कई चीज़ें कई लोगों को नहीं मालूम, अच्छी चीज़ें हैं। 1982 में जब आगरा में कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त वो आगरा के बहुत बड़े, यानी करीबन हजारों लोग हो गए उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में। और मुझे याद है कि कांशीराम जी उस सभा में एज ए श्रोता करके बैठे थे, शायद विमल सूर्य चिमनकर यहाँ है या नहीं पता नहीं, मुझे और विमल सूर्य चिमनकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाके उनको ढूंढ के ले आओ स्टेज पे। हम गए उनके पास कि आप चलिए स्टेज पे, आपको न्योता है, बट ही डिड नॉट कम, वो नहीं आए और हम उनको ला नहीं सके। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस एंगल से अगर देखा जाए तो उस वक्त उनका जो विजन था, उनको लगता था कि शायद अगर हम ये सारे लोग इकट्ठा आए तो ये देश को हम एक नया मोड़ दे सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और मुझे लगता था कि उस वक्त जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ज़रूरत आज है। समता सैनिक दल उस वक्त एक सोचा गया था कि उसके पहले जब 1956 में बाबा साहब का जब देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ, उस वक्त समता सैनिक दल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था कि ये एक रिपब्लिकन पार्टी के अंडर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी। 78 में वो डिसाइड हुआ कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये कोई रिपब्लिकन पार्टी के अंडर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त भी रिपब्लिकन पार्टी के कई रिपब्लिकन पार्टियां हो गई थी। तो उस वक्त वो सोचा गया था कि ये इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, इंडिपेंडेंट अपना विचार होगा, इंडिपेंडेंट अपना काम करने का होगा। लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के समझाने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोग्राम लिखा था उसी प्रकार का प्रोग्राम इसमें भी होगा, ये उस वक्त तय हुआ था और वो करने की कोशिश भी की गई। एल आर बाली भगवान दास जैसे साहब के साथ मेरा एक रिलेशन हुआ, उसके कारण मेरे को एक नेशनल एडवांटेज मिल रहा है। और मुझे लगा कि मेरे ज़िंदगी का अगर कोई मकसद है तो मेरे बाबा साहब को मिशन का एक मकसद है, ये उस वक्त भी सोचा था और आज भी मेरा मकसद वही है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू दैट। इतना ही है कि मैं शायद डायरेक्टली समता दल में कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से अभी जितने लोग हमारे से एक ग्रुप में से बाहर निकल गए थे, दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, सो दे आर ऑल वर्किंग इंडिपेंडेंटली अगेन। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ हुआ, जो एम था 1978 में वो आज भी पूरा नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है।
बाली साहब का ये, मैंने सारे समुदाय दल के बारे में बोला, बाली साहब का एक बड़ा डिसिप्लिन था, हर यानी सुबह 5 बजे उठना है उठना ही है, आपको ये करना है यानी वो करना ही है, यानी ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनको फालतू चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। नागपुर में जब 78 में या 79-80 की बात है, जब गुजरात में कास्ट के ऊपर आंदोलन छिड़ा, एंटी रिजर्वेशन आंदोलन छिड़ा, उस वक्त बाली साहब ने बिल्कुल 2 दिन में एक बुक लिखी, जात युद्ध से कैसा निपटा जाए, और सारा जो निचोड़ था वो एम था कि अगर समता सिंह दल को हम बड़ा करते हैं तो शायद इस देश में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है, ये उनकी एम थी, विश्वास था, और वो किताब लिखी गई। उसके बाद उसी वक्त नागपुर में ही एलआर बाली साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और मिशन एक किताब लिखी, उसी वक्त नागपुर में 25 रुपये कीमत थी उस वक्त छापी गई। और आप सबको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में एक अकेला वैसे तो पत्र बहुत निकलते हैं, पाक्षिक साप्ताहिक बहुत निकलते हैं, लेकिन आम्बेडकरी आंदोलन के लिए कोई अगर पाक्षिक निकला है कई सालों से, जो आज भी जिंदा है, बाली साहब अभी नहीं चला रहे, उनका लड़का जो राहुल बाली है वो चला रहा है, अभी उन्होंने काफ़ी बड़ी बुकलेट फॉर्म में निकाला, उसको टेबलेट फॉर्म में निकाला, बाद में उसको अभी क्वार्टरली कर रहे, क्योंकि 30-40 पन्ने का वो मैगजीन निकल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भीम पत्रिका नाम के ऊपर केवल भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में भीम पत्रिका और बाली साहब का नाम जुड़ा है। अगर आपने भीम पत्रिका बोला तो बाली साहब के सिवा कुछ हो नहीं सकता, और बाली साहब को बोला तो भीम पत्रिका के सिवा कुछ हो नहीं सकता। अगर कोई विचारधारा खुद होकर जिंदा नहीं रह सकती, विचारधारा जिंदा रखने के लिए उसको पानी सींचना पड़ता है, उसको खाद देनी पड़ती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसको सींचना पड़ेगा। वो केवल हम जय भीम वाले हैं करके बोलने से नहीं होगा, भगवान दास तो हमारे साथ में नहीं रहे, और हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल बोलेंगे वो इंटेलेक्चुअल को इनटू इन्वर्टेड कॉमा रख के बहुत लंबे पैमाने में डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत अच्छे संगठक नहीं हैं, इसीलिए इतनी सारी संगठनाएं हो रही है। मुझे लगता है आज भी वो टाइम गया नहीं है। आज हम बाली साहब का जो यहाँ सत्कार कर रहे हैं, मैं यही बात रखूँगा कि बाली साहब आपकी उम्र मैं तो नहीं जानता हूँ कितने रहे, लेकिन ये सारा समाज ये सोचता है कि आप जितनी लंबी उम्र जी सके आप जिए, नंबर एक। दो, आप बचे हुए सारे जिंदगी में एक काम करें कि अंबेडकरी मूवमेंट को समता दल के बैनर के नीचे इकट्ठा कैसे ला सके। तो मुझे लगता है कि इसको पूरे से नए सिरे से अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बाबा साहब के मूवमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हम सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए मेरे से जो भी योगदान लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतना ही बोल के मैं यहाँ 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बाली जी का सत्कार करना, यानी वो कोई ये सत्कार के माध्यम से खूब बड़े हो जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन समाज में जो व्यक्ति काम करते हैं, अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े हैं, एक निष्ठा से जुड़े हैं, ऐसी गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान होना जरूरी है। यह मंशा रखते हुए उनके 85 वर्ष का उम्र का जो जन्मदिन आने वाला है वो तारीख ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह सत्कार सोहळ्याला ऐतिहासिक आणि अविस्मरणीय मी याच्यासाठी म्हणतो की जरी एका नागपुरातल्या कोपऱ्यात हा सत्कार होत असला तरी या सत्काराचं महत्त्व आजच्या पिढीला आहे, उद्याच्या पिढीला आहे, सगळ्याच दृष्टीनं महत्तम असा सत्कार आहे। या सभागृहात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत प्रत्यक्ष त्यांनी संवाद साधलेला असेल अशी व्यक्ती एलआर बाली यांच्याशिवाय दुसरी असेल असं मला वाटत नाही आहे। आम्ही पुस्तकातनं बाबासाहेबांना समजू शकलो, अजूनही समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। त्यांचं दर्शन अनेकानेक अंगानी करतो पण प्रत्यक्ष दावा करता येत नाही।
त्यांच्या महापरिनिर्वाणाच्या वेळेस कदाचित मी 7-8 वर्षाचा असेन. दीक्षाभूमीच्या त्या ऐतिहासिक क्षणातही त्याच वयाचा होतो. स्मरणाच्या कारंजावर मी आरूढ होऊ शकत नाही तो दावा नाही आहे, परंतु जे बाबासाहेब आपल्याला पुस्तकरूपानं समजू शकत नाहीत ते बालींच्याकडे पाहून आपल्याला सहज सुलभ समजू शकतं. प्रत्यक्ष बाबासाहेबांची भेट, प्रत्यक्ष त्यांनी केलेला संवाद, प्रत्यक्ष त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन समोरचं जीवन प्रतिज्ञाबद्ध त्यांनी करावं, त्या काळात सरकारी नोकरीला लात मारावी, अवीट आहे, अविस्मरणीय आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी. आज जे प्रचारात केलं जातं, एल आर मौलींनी शासकीय मुद्रणालयाची नोकरी 1958 सोडावी, 1958 त्यांनी भीम पत्रिका काढावी आणि 2014 सुद्धा ती अखंड तशीच प्रकाशित व्हावी, साधं नाही आहे, अजिबात साधं नाही आहे. आणि केवळ एका भाषेत नाही तर दोन दोन तीन तीन भाषेमध्ये ते काढावं, केवळ देशात नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती पाठवावं. विचारांची इतकी जपणूक करणारा हा माणूस सगळ्या दृष्टीनं महा आहे. मी किती विचार सांगतो, मी किती उतारे वाचून सांगतो, परंतु वर्तनाशी मी किती प्रामाणिक असतो, मी भूमिकेला किती जगतो, मी भूमिकेवर पत्नीपेक्षाही नितांत प्रेम करतो, मी भूमिकेच्या शिवाय एक क्षणसुद्धा दुसरा विचार करत नाही, असा माणूस आज आंबेडकरवादी म्हणून खऱ्या अर्थानं एल आर बाली म्हणून आहेत. ह्यांनी वयाच्या 85 वर्षाचा आज होईपर्यंत वैभवशाली काढातही घट्ट पाय रोवून ते उभे होते. थोडंसा काळोखाचे दिवस दिसत आहेत याही काळात एल आर बाली हे घट्ट पाय रोवून आहेत. अजिबात पळ कुठेही काढला नाही आहे, शॉर्टकट मारला नाही, आमिषाला बळी पडले नाही, कोणाच्याही शब्दाच्या खातर कुठे गेले नाहीत, बाबासाहेबांच्या मी त्यांच्या जातीचा आहे असा कुठलाही गर्व त्यांनी बाळगला नाही, बाबासाहेबांवर केवळ व्यक्ती म्हणून त्यांनी पूजा केली असं नाही तर त्यांच्या विचारांची जी बांधिलकी इमान इदबारे आजपर्यंत ती जपली, इतका थोर माणूस मला आज या संपूर्ण भारतात दिसत नाही. ते इथे हजर आहेत म्हणून मी त्यांची स्तुती करतो असं नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर त्यांनी जे पुस्तक लिहिलं आहे त्यांच्या भूमिकेतलं पहिलं वाक्य त्यांचं आहे की माझा शास्ता, मेरा शास्ता और मार्गदर्शक केवळ एक है. काय आश्चर्यकारक म्हणजे ही. आणि त्यांचं नाव त्यांनी घेतलं डॉक्टर भीमराव आंबेडकर. आणि त्या भूमिकेत त्यांनी जी विचाराची मांडणी केली छोटीशीच आहे, मला डॉक्टर कृष्णा कांबळेंचे इतकं त्यांचं सान्निध्य लाभलं नाही याची आयुष्यभर खंत राहील. परंतु जरी मला त्यांना खूप सान्निध्य लाभलं नसेल तरी त्यांच्या लिखाणातनं, त्यांच्या भाषणातनं, त्यांच्या सहवासात असलेल्या माणसांच्या तोंडून ऐकलेल्या बाता हे माझं वास्तव धन आहे. मला कधी कधी सरोज मेश्रामसुद्धा एखादा सामान्य कार्यकर्ता आहे त्यालाही मी अनेकदा विचारलं की सरोज बालीसाहेब के जालंधर में आप रहते थे, बालीसाहेब कसं आहे त्यांचं घर, कशी आहे त्यांची तिथली कर्मभूमी, किती काळ ते कष्ट उपसतात,
ही जी माझी अनेक वर्षाची उत्कंठा, मी ॲडव्होकेट जे बी मनसोडांच्याकडे खूपदा विचारणा करायचा, दुरून दुरून प्रभावित असायचा, दुरून दुरून मी हात जोडायचा, दुरून दुरून असलेला हा सहवास आज मी इथे साक्षात हजर आहे. माझ्या जीवनातल्या अविस्मरणीय क्षणातला हा क्षण मी कोरीव असा नमूद करून ठेवेन. मित्रांनो, प्रश्न वाढत चालले तेव्हा बाली 85 वर्षाचं झाले, आनंदातही दुःख आहे. जेव्हा आंबेडकरी चळवळ हे नव्या नायकाच्या शोधात दिसते आहे, जेव्हा आंबेडकरी चळवळ ही प्रामाणिक माणसाच्या शोधात असते, त्यावेळेस हे आधारवड झाले. वय कोणाचं थांबत नाही. परंतु हा सत्कार आज जो नागपुरात झाला, मला असं वाटतं की तो गावोगावी व्हायला हवा. जी माणसं थोडीसुद्धा छोट्या छोट्या क्षणिक क्षणिक स्वार्थासाठी मिळा राहिल्या, मी आता तो हलका शब्द वापरणार नाही परंतु वापरायला बाध्य होतो, छोट्या छोट्या तुकड्यांसाठी जी माणसं स्वतःला तर गहाण ठेवतातच ठेवतात, चळवळीला पण गहाण ठेवतात, त्या माणसांच्या पुढे यांच्याकडे पावर आहे. हा माणूस कधी आमदार झाला नाही, कधी खासदार झाला नाही, कुठल्या मोठ्या पदावर गेला नाही आहे, परंतु या माणसाला जे लाभला आहे ना, तुम्ही जन्मभर सतावत राहाल तरी तुम्हाला लाभणार नाही आहे. एका हाकेवर ही माणसं इथे आली आहेत आणि मला असं वाटतं धोधो पाऊस जरी आला असता तरी ही माणसं तितक्याच आस्थेने इथे आली असती, कारण तुमचा सुगंध एका दिशेने वाहत नाही, तुमचा सुगंध सर्वत्र दरवळलेला असतो. मैंने बाली साहब को सबसे पहले जो देखा वो कस्तूरचंद पार्क पे देखा. हरिदास बाबू आवड़े जी ने उनका भाषण रखा था और पूरा पटवर्धन ग्राउंड अपना कस्तूरचंद पार्क पूरा भर गया था और 1.5 घंटा तक के बाली साहब का भाषण चला. वो जमाना ही ऐसा था कि अगरचे चिटनीस पार्क में भी मीटिंग होती है बीपी मौर्या की और अध्यक्ष आवड़े बाबू हैं, तो जब मीटिंग समाप्त होती थी तो उत्तर के तरफ और दक्षिण के तरफ जाने वाले लोगों का इतना बड़ा सैलाब होता था कि ऐसा लगता था कि ये कोई जुलूस जा रहा है. अब वो दिन बदल गए हैं, बुलाने पे भी लोग नहीं आते. बाली साहब को जब हमने वहाँ कस्तूरचंद पार्क पर सुना तब पता चला कि उनकी नेक नीयत क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनके वाणी में कितना ताकत है, इस बात का अंदाज़ा हुआ. और हम यादें मैं ताज़ा कर रहा हूँ, मॉरिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, 6 दिसंबर का कार्यक्रम था और दादा साहब गायकवाड़ को इनवाइट किया गया था हमारे विद्यार्थी फेडरेशन के द्वारा. वहाँ बाली साहब, दादा साहब, गायकवाड़ के साथ बीपी मौर्या और संघप्रिय गौतम, ये 4 लोग वहाँ वो प्रोग्राम में आए थे. इतिहास गवाह है कि जो DIR बाबा साहब के झंडे को बीपी मौर्या के कंधे से गिरा नहीं पाया, वो नागपुर के लोगों ने गिरा दिया, ऐसा कह के बीपी मौर्या कांग्रेस में गए, उनके पीछे संघप्रिय गौतम गए और बाद में चलकर बीपी मौर्या BJP में गए और उसके बाद संघप्रिय गौतम भी गए, अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष उमा भारती बनी. परंतु बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को जिन्होंने वादा किया था कि बाबा साहब हम आपकी राह कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी राह पे चलेंगे, ऐसा कहने वाले बाली साहब उम्र की 85 साल पूरे कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी दूसरे पार्टी का दाग नहीं लगा है.
कितनी सादगी। नागपुर में आएंगे तो चंदन खेड़े जी के चाहंदे के घर में उतरेंगे, कहेंगे रोटी बना के लाओ, और वो उनका जो प्यारा खाद्य है वो खुद बनाएंगे, खाएंगे, वहीं रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। और बहुत बड़ी आर्थिक उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी, और तब भी उन्होंने खुद को बेचने की, खुद का लीलाओं करने की कोशिश नहीं की। उनका दावा रहा, रहे हयात के हिम्मत शिकन अंधेरों में, हिम्मत तोड़ने वाले अंधेरे में जीवन के रहे, रहे हयात के हिम्मत शिकन अंधेरों में, अरे बाबा तेरी निगाहें फिरोजा को याद रखा है, उसमें उन्होंने कभी भूलने की उसकी कोशिश नहीं की। बात बाली साहब का इसलिए विचार करना है, सोचना है कि जितने भी बुजुर्ग थे हमारे समाज के, अखिल भारतीय नेता थे, उनमें वे केवल एक अकेले समाज का मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों में विद्यमान है। हम उनके उम्र दराज हो इसके लिए पूरी श्रद्धा और आदर के साथ शुभकामनाएं देंगे। बाली साहब को इतने हार मिले हैं, इतने पुष्प मिले हैं, गुच्छे मिले हैं, इसका उन्हें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि जीवन भर मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी, जीवन भर विषपान किया है और किया नहीं विध्वंस किसी का, जीवन भर निर्माण किया है, यही आदर्श बाली साहब का रहा है। मुझे याद है 1982 में गुजरात में एंटी रिजर्वेशन का आंदोलन शुरू हुआ, जिन महात्मा गांधी ने बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर को पूनापेट के द्वारा रिजर्वेशन के कुछ सीटें दी थी, तब बाबा साहब ने कहा था कि हम तो ईमानदारी के साथ इसका पालन करेंगे, लेकिन हिंदू भाई करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में मेरे मन में शंका है। तब तेज सप्रू कमला नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग खड़े हो गए, कहने लगे कि हम ईमानदारी के साथ इस पूना पैक्ट का पालन करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के खिलाफ उन्होंने उनके जो ड्राइवर दलित थे, उनके जो अर्दाली हाजी हाजी करने वाले नौकर चाकर थे, उनको बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़ा किया और बाबा साहब का पराभव किया। तब बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी ने मेरा पॉलिटिकल लाइफ बर्बाद कर दिया है, और इतिहास गवाह है 1982 में गुजरात में महात्मा गांधी जी के पुतले को रक्त का तिलक लगाकर एंटी रिजर्वेशन का आंदोलन शुरू हुआ, और उसका मुकाबला करने के लिए एल.आर. बाली साहब ने आगरा में लाल किले के सामने उनका मुकाबला करने के लिए समता सैनिक दल का कॉन्फ्रेंस लिया, और एक बहादुर आदमी आगरा का, आप जाके देखिएगा, नागपुर और बंबई की आंबेडकर जयंती उनके सामने फीकी होती है। इंदौर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, आगरा हो, जहां जहां भी समता सैनिक दल की कॉन्फ्रेंसेस हुई, बाली साहब ने हमको प्रोत्साहन दिया, और बाली साहब जो लोग अनऑथराइज आए थे आगरा में, जिन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिनको एडमिशन मिला के दिया गया, वो आपके चेले अभी तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। जिन पत्थरों को आपने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो आप पर ही बरस पड़े। गुरु तो गुड़ रहा, चेले ही शक्कर हो गए, ये हालत। मुद्दा जो है वाले साहब आपके सामने इतना परेशान होकर कहने का, इसलिए
कि आपके किताब में ये आता है, आपने लिखा है खल्क में महशर बे बरपा, खल्क समाज में महशर है बरपा और तू है मशरू पे ख्वाब और तुम सो रहे हो। इतनी हलचल, इतनी खतरनाक हलचल हो रही है और तुम सो रहे हो। खल्क में महशर है परपा बरपा और तू है मशरू पे ख्वाब, खून में जिल्लत की मौजे खा रही है पेचोताब और तुम्हारे खून में अपमान की जो लहरें हैं वो पेचो ताप ताप खा रही है। तेरी गैरत को खबर भी है दुश्मन का आताब। ये जो कल के परसों के जो स्टेटमेंट रंजीत भाई ने उसका उल्लेख किया, मैं भी कर रहा हूं कि ये उनके मन में क्या है, तुम्हारे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अगर अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया से, तुम्हारी दास्ता तक भी न होंगी दास्तानों में। ये कहते हैं तेरी गैरत को खबर भी है दुश्मन का आताब, तेरी मां बहनों की राहों में उलटता है नकाब, अब तो तू जख्मी शेर की मानिंद बिफरना चाहिए, गर ये हिम्मत नहीं तो डूब मरना चाहिए। आज के हालात जो है, जहां तहां दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, जहां तहां ये सारे लोग जो उनके दुश्मन थे उनके खेमे में जाके बैठे हैं। शायर ने साफ शब्दों में कहा है, तुमको बाजार का दस्तूर कैसे समझाऊं, तुमको बाजार का दस्तूर कैसे समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। ये हालात में बाली साहब आपका सत्कार हो रहा है और अब इतने महान व्यक्ति का हम सत्कार कर रहे हैं, ऐसा जब हम उनके सामने विषय निकलता था तब बाली जी कहते थे हमें ले गए पंजाब में जानोकर बाबूजी और मुझे, भगत सिंह के गांव ले गए, जलियांवाला बाग में ले गए, अमृतसर के उनका जो शहर का मुख्य ऑफिस होता है वहां हमारी भाषण कराए, जालंधर में भाषण कराए और कहने लगे कि आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, जिस निष्ठा से वो अपना जीवन अर्पण करता है उसको कीमत होती है, कितने दिन वो जिया ये मुद्दा नहीं होता। और कहने लगे जिस धस से कोई मक्तल में गया, जिस शान से जिस झंडे को लेकर कोई मक्तल में गया, कत्लगाह में गया, जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये किरदार है बाली साहब का। मैंने एक बार उनको पत्र लिखा और उनका बहुत कौतुक किया, बहुत उनकी तारीफ की। जवाब में उन्होंने ये लिखा हम फूल है औरों के लिए लाए है खुशबू, हम फूल है। भीम पत्रिका चला रहे इतने सालों के बाद तब भी भीम पत्रिका कार ऐसा नाम उनके सामने नहीं लगाए, हम फूल है औरों के लिए लाए है खुशबू, ले दे के हमें बस एक दाग मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमने वचन दिया था कि बाबा साहब हम आपके रास्ते पर ही चलेंगे, उस वादे को पूरा करने के लिए कनाडा में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं और समता सैनिक दल का झंडा वहां उजागर कर रहे हैं। नैतिक होना और तर्कशील होना, विवेकी होना, यही बुद्धिज्म है। आज जिस व्यक्तित्व का हम सत्कार करने जा रहे हैं उनके पास आंबेडकरी आंदोलन का दीर्घ ऐसा अनुभव है, एक जीवंत आंदोलन है और अभी कुछ ही देर में हम
उन्हीं के शब्दों में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के आंदोलन को सुनने जा रहे हैं। मैं एलआर बालीजी समता रत्न इन्हें विनम्र विनती करता हूं कि वे अपने इस सत्कार समारोह के अवसर पर अपने शब्द व्यक्त करें। हमारा हिमाचल में ऊना में 14-15 जून का 15वां अधिवेशन था। दादा अम्बावले ने मुझे पोस्टर दिया जिसमें मेरा पिक्चर था, फोटो था कि आपका सत्कार कर रहे हैं। मैं बड़ा देख के हैरान हो गया कि मेरा और सत्कार, ये दो चीज़ें तो बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि दल के अंदर हमने ये पास किया हुआ है कि कोई दल का सैनिक पदाधिकारी ना तो सत्कार कराएगा, ना फूल माला लेगा, ना कोई आडंबर करेगा। लेकिन आज जितने फूल पड़े वो मेरा ख्याल है तमाम जो पुरानी कसर थी वो सारी पूरी हो गई। दो तीन बातें मैं आपको बुनियादी बताना चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र से कैसे परिचित हुआ, उसका सेहरा जो है बाबू हरिदास आवडे जी को है। मैं उनके पास आया, जब भी नागपुर आया तो दिन भर हमारे कार्यक्रम लगे रहते थे, पार्टी के दूसरे तीसरे मिलने नहीं देते थे। खैर फिर मैं उनसे मिला और उनके घर में वो भी नीचे सोते थे, मैं भी नीचे सोता था, चारपाई नहीं थी। लेकिन वो हाई कोर्ट के वकील रायपुर में जाकर के वकालत करते थे, उनकी वजह से मैं आया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, मैं आप सबका समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे आदमी को आपने यहाँ इतना ज़्यादा आदर दिया है। उसके बाद हरीश शांडे जी हमें मिले, इन्होंने जो हमें लोखंडे जी और तमाम दल के साथियों ने हमारा सहयोग दिया। मेरे सामने पूरे देश के, आज हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, सब लोग बैठे हैं, उनका सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा मैं विशेष तौर पर चंदन खेड़े परिवार का, धर्मदास चंदन खेड़े परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर का पैरोकार कहलाना और अम्बेडकर ही होना, इसमें बड़ा फर्क है। अम्बेडकर ही कहलाना, अपने आप को कहना मैं अम्बेडकर ही हूँ, इसमें और अम्बेडकर ही होना, इसमें बड़ा फर्क है। जो अम्बेडकर ही होता है वो ना तो भाई जुल्म के आगे झुकता है, ना पखंडी आडंबरी होता है, ना स्वार्थी होता है, ना वो अपनी खातर समाज को के साथ विश्वासघात करता है। अम्बेडकर ही होने की कुछ शर्तें हैं। और मैं लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो उन्होंने कहा जी आप बुद्धिज्म जो है, क्योंकि वहाँ बात पहुँच गई कि जो बुद्धन धम्म है इसका एक भिक्षु ने कहा जी अम्बेडकर धम्म है, बुद्धन धम्म नहीं है। बुद्धिज्म पे इतनी किताबें छपी हैं कि आप पढ़ पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एक पूरा डिपार्टमेंट है बुद्धिज्म पे, लिखते जा रहे हैं लोग। मैंने कहा बुद्धिज्म क्या है, केवल एक फिक्रे में, एक वाक्य में मैं आपको समझा देता हूँ। बाबा साहब का लिखने का जो स्टाइल था कि सवाल करना और सवाल का उसका खुद ही जवाब देना, बुद्धिज्म धम्म में है व्हाट इज बुद्धिज्म। बाबा साहब कहते हैं अमलगम ऑफ मॉरेलिटी एंड रैशनैलिटी बुद्धिज्म है, यानी नैतिक होना, नैतिक होना और तर्कशील होना, विवेकी होना, यही बुद्धिज्म है। लोग समझते ठप्पा लग गया, त्रिशल पंचशील ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो आदमी नैतिक नहीं है, जो आदमी तर्कशील नहीं है, विवेकी नहीं है, जो मर्जी अपने आप को कहे, ना वो बुद्धिस्ट है ना वो अम्बेडकर ही है, ये पहचान है, इसमें आप किसी को भी परख सकते हैं। तो जब हमने काम शुरू किया
तो नौकरी तो छोड़ दी, भावना में आके बाबा साहब को वचन दिया था छोड़ दी नौकरी, पैसा पास नहीं, परिवार के पालन का कोई जरिया नहीं, तो मैंने कहा क्या किया जाए अब। तो मैं अपने जीवन की दो घटनाएं सुना के आपको अपनी बात आगे कहूँगा। 67 में मैं इंग्लैंड से आया, 6 महीने के बाद। वहाँ पे मैंने जगह जगह सभाएं की। आज अब इंग्लैंड में जाएंगे 4 बुद्ध विहार हैं, कनाडा में 2 बुद्ध विहार हैं, अमेरिका में जहाँ वाशिंगटन है उससे 13 मील आगे अंबेडकर सेंटर बना है, जो वहाँ के अपने साउथ इंडिया के लोगों ने, अंबेडकरियों ने खरीद करके सेंटर बनाया है। पूरे यूरोप में अंबेडकर का नाम फैल गया है। तो मैं बात आ रहा था, मैं इंग्लैंड से आया 6 महीने रह के, तो मैं राजगिरा गया। चौकीदार को कहा भाई मैंने राजगिरा देखनी है। मैं ऊपर गया बरसाती में, तो बरसाती में 3 चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक तो बाबा साहब की नोटबुक जिसमें लिखते थे वो, ये केस है मेरा, विरोधी ये दलील देगा मैं उसका जवाब ऐसे दूंगा, ये तो वकालत की बात। एक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम किताब वहाँ पड़ी थी, सेक लगी हुई, सेक समझते हैं खाई हुई। एक एनिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का बीज नाश, जाति भेद का अनुमूलन, ये 2 किताबें पुरानी सेक लगी हुई खाई हुई बरसाती में पड़ी थी। एनिकेलेशन कास्ट वो किताब है जो क्लासिक है, जो क्लासिक है, जो देश को नया रास्ता दिखाती है, जो देश में इनकलाब ला सकती है, जो देश में उथल पुथल पैदा कर सकती है, जो देश को एक में एक कर सकती है, वो किताब है, जो भाषण है। तो मैंने उसको 14 भाषाओं में छापा, मैंने हिंदी में किया, पंजाबी में किया, उर्दू में मैंने किया, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में मैंने किया छापा। बाकी लोगों की मैंने राय लेके, मदद लेके सब जगह पूरे देश के अंदर छपी। आज तो हाल ही है कि जो बुक सेलर हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो जगह ही नहीं रखने की। मैं अभी जब चला दिल्ली से विमान में, तो बीच में पढ़ने के लिए देते हैं मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने कहा भाई लाओ मैं पढ़ूंगा। तो मेरे पास पढ़ने के लिए सामान मैं बहुत कम रखता हूँ, आजकल नहीं रखता। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो मेरी नज़र है एक खबर पर पड़ गई, ये है इसमें, मैं जेब में रखा उसमें, ये अरुंधति राय की है खबर, ये मैंने 18 को पढ़ी है, आपके आज और कल छपी है, क्या गांधी जातिवादी था, पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, मराठी में आई है, हिंदी में आई है, सबसे पहले अंग्रेजी में आई है। मैं इस मैडम को मिला, जो मैंने बताया कि एनिलेशन काम मैंने 1970 में 30 और 14 कितने साल हुए, 30 रुपए में मैंने छापी, 30 रुपए में। अब मैं आपको बता रहा हूं देश में क्या हो रहा है। ये जो मैडम है राय जिसने लिखा है, एक मीटिंग में ये मेरे साथ मुलाकात में आ गई, तो मैंने कहा मैडम तुम बड़ा लिखती हो, बड़ा बोलती हो, ये किताब पढ़ी है क्या? मैं पास रखता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जज हो कोई हो, मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ, लो कीमत नहीं लूँगा। तो उसने किताब ली, उसके बाद उसने कहा कि मैं इस पर भूमिका लिखूंगी। किताब छोटी है, उसने 125 पेज की भूमिका लिख दी, 125 पेज की उसने लिखा है, गांधी जो षड्यंत्र था, गांधी पखंडी था, जो उसके शब्द हैं, नहीं तो नागपुर में मेरे ऊपर और केस बन जाएगा। उसने लिखा पखंडी था, तो मिलती है किताब वो, और उसने एनिलेशन कास्ट छाप के साथ में 125 पेज की भूमिका छाप दी और कीमत रखी 525 रुपए, जो हमने 30 रुपए में छापी। लेकिन मैं आपको ये बात एक रेफरेंस के लिए बताना मैं ये चाह रहा हूं कि देश में एक लड़ाई छिड़ी है, उस लड़ाई को समझने की कोशिश करो। मेरे दोनों
विद्वान वक्ताओं ने उसकी तरफ इशारा किया है। लड़ाई ये है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है और एक तरफ गांधीवाद है। गांधीवाद क्या है? अगर आप में से किसी ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, गांधी ने और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया, ये वॉल्यूम 9 है। उसमें बाबा साहब ने गांधी जी पे एक अध्याय है, एक एक चीज लेके गांधी की, उसमें कहा है कि गांधीज्म हिंदूवाद का दूसरा नाम है। और आपका जो नागपुर शहर है, यहीं से देश का आंदोलन चलता है, ये आपको समझना चाहिए। बाबा साहब ने नागपुर को अपनी कर्मभूमि क्यों बनाया? 1942 में कांग्रेस यहाँ की, महिला सम्मेलन यहाँ किया, और आगे चलते जाओ तो दीक्षा भी यहाँ ली। तो नागपुर से ही आज देश में उल्टा पलटा करने की कोशिश हो रही है। हाँ, मेरा इशारा समझे होंगे। आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें बाबा साहब को 2 बार हराया गया, बाबर में हराया, 54 के बनारा में बाई इलेक्शन में हराया, ये सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम फेल हो गया। इसको प्रेस काउंसिल के चेयरमैन कॉट जी ने कहा है, ये फ्यूडल डेमोक्रेसी है। फ्यूडल यानी पैसे वाले जिम्मेदार, उनकी लोकतंत्र है ये। जिसमें क्या लोकतंत्र है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जीत सकते? ये 300 जिले में क्या हो रहा है? मैं गढ़चिरौली गया, चंद्रपुर के आगे मेरे जहाँ चंद्रपुर के भाई बैठे हैं दल के, गढ़चिरौली में गया मैं, चंद्रपुर से आगे है, वहाँ हमारी सभा थी। हम 2 साल पहले वहाँ सभा कर सके, अब नहीं कर सकते। हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन आज का सत्ताधारी जो वर्ग है उसको हम चेताना चाहते हैं कि देखो, एक इंटरनेशनल मूवमेंट माओवादी बन चुकी है। नेपाल के रास्ते उसको हथियार आते हैं, दुनिया भर से पैसा आता है, और आपके शहर में चुपचाप जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। यानी देश के अंदर एक उथल पुथल होने वाली है। अब इसको कौन रोक सकता है? इसको तभी रोका जा सकता है अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, उनके प्रोग्राम को, उनकी बताई हुई बातों पे हम अमल करें। उसमें से मैं एक कहता हूँ, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने प्रपोजल रखी, वहाँ पे बाबा साहब ने कहा कि जो जमीन है, भूमि है, इसका राष्ट्रीयकरण करो, राष्ट्रीयकरण करो, और उस पे कलेक्टिव फार्म, सामूहिक फार्में बनाओ। आज खेती कौन करता है? मेरे पंजाब में जो मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल, उसकी 1400 एकड़ जमीन है। और दूसरा आपका हरियाणा, वहाँ जो चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के नाम आप अखबार में पढ़ते हैं, वो और उसका बेटा जेल में बैठे हैं टीचर की भर्ती में करप्शन करके। उसकी कितनी जमीन है? 1200 एकड़। काम हमारे लोग करते हैं, बेजमीन मजदूर काम करते हैं, पैसा लगा करके ये तमाम लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। और जमीन देहात में ना होने के कारण बाबा साहब ने पार्लियामेंट में कहा, जमीन के 2 कारण हैं, एक तो इज्जत है, गांव के अंदर जमीन के कारण इज्जत है, दूसरी बात ये कि आमदनी का साधन है। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है, मुझसे कई लोग सवाल करते हैं, आप तो ऐसे ही रह गए, ना एमएलए बने, ना एमपी बने, ना मिनिस्टर बने। मेरे पास ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में राष्ट्रपति बने, 2 घंटे बैठा रहा कि आ भाई आजा, बहुत मिट्टी खा ली, बहुत खाक छान ली, खाक का मतलब मिट्टी, बहुत मिट्टी छान ली। अरे मैंने कहा, ज्ञानी मैंने वचन बाबा साहब को दिया, किसी नथु खैरे को नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यादव नाम का, उनका एक पैरोकार था यादव, वो आदमी
पाकिस्तान से दलित लोगों को लाया, बाबा साहब ने उसको डिटेल किया, महाराजमेंट को किया। बाबा साहब के पंजाब के ऊपर बड़े उपकार है। तो यादव को बाबा साहब चिट्ठी लिखते हैं जो मैंने भीम पत्रिका में छापी, कहते संतोष परमोधन, बाबा साहब ने अंग्रेजी में भी लिखा और उसका खुद ही किया हिंदी में मराठी में, संतोष परमोधन। धमपद में आता है कि संतोष कंटेंटमेंट सबसे बड़ा धन है। हमने वो बात अपने पल्ले बांधी है। क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया कि गृह युद्ध होने वाला है, कौन मारा जाएगा। मैंने कम्युनिस्टों को कहा पहले बारी तुम्हारी आएगी, कम्युनिस्टों को। मैंने हरकिशन सिंह सुरजीत जो CPIM के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने उनको कहा सबसे पहले तुम्हारे गोली लगेगी, उसके बाद हमारी अम्बेडकरियों की बारी आएगी, अम्बेडकरियों की बारी आएगी, क्योंकि आप ही एक हैं। वो आप क्या चाहते हैं, अम्बेडकरी क्या चाहता है, अम्बेडकरी चाहता है कि जो ना बराबरी का वृक्ष है, जो अन्याय अत्याचार का वृक्ष है, जो शोषण का वृक्ष है, उसको जड़ से उखाड़ना है, जड़ से उखाड़ देना है। हम ये चाहते हैं, दूसरे ये चाहते हैं, उखाड़ो मत, इसके पत्तों को पानी दे दो, थोड़ी मौत टहनी कर दो, फर्क ये है। तो इस फर्क को कौन मिटा सकता है, तो ये तो चले गए। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है सब लोग एक साथ हो जाएं, एक साथ हो जाएं। लेकिन करें क्या, छोटी छोटी बात के लोग बिक रहे हैं, छोटी छोटी बात के, कोई MLA के लिए, कोई MLC के लिए, कोई MP के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जलील होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे वो अपने आप को अम्बेडकरी कहते हैं। उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि अम्बेडकरी कौन होता है, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। अरे इन लोगों ने आइंस्टाइन की, मुझे एक बात साइंसदान हुआ, आइंस्टाइन वो कहते हैं मैं हजारों लोगों का, लाखों लोगों का धन्यवादी हूँ जो अनाज पैदा करते हैं, जो हल चलाते हैं, जो खून पसीना देते हैं, उनके कारण मैं जीवित हूँ। तो आज मेरे जैसा आदमी आप लोग सब लोगों के कारण जीवित है। अगर मेरे साथ लोग नहीं होते तो मैं कब का ही खत्म हो गया होता। समस्या को समझो, बाबा साहब ने समझा और किसी ने नहीं समझा। बाबा साहब ने कहा रिलीजन धर्म मजहब सबसे बड़ी समस्या है। इस वक्त 18 यात्राएं चल रही हैं, 18 यात्राएं, देखो क्या क्या कहते हैं। बर्फानी बाबा, शिवलिंग को कहते हैं बर्फानी बाबा, बर्फ से बना हुआ, वो जैसे लोग जमा होते हैं या मौसम बदलता है वो गिर जाता है, घट जाता है, लाखों लोग जा रहे हैं। 18 यात्राएं हैं, कहीं रथ यात्रा, कहीं भरा यात्रा, कहीं अमरनाथ यात्रा, पैसा किसका लगता है, कहां से लगता है पैसा, पुलिस देखती है उनको, कहीं दहशतगर्द टेररिस्ट उनको मारना जाए, पुलिस लगी हुई है, CRP लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है, पैसा कहां से जाता है, पैसा खजाने से जाता है, हमारे पैसे जो टैक्स देते हैं हम लोग उसी से जाता है, कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। कम से कम उनके पास इतना पैसा है, बाबा साहब ने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जितने ये धर्म स्थान है इनसे पैसा लो, 10% लो, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, विडो के लिए, विधवाओं के लिए पैसा लो इनसे। लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप देखिए एक ही मंदिर की उदाहरण देता हूं, पद्मनाभन। हम चढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहे, ना किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। एक पद्मनाभन मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नजर रखे हुए है। थोड़े दिन हुए पेपर में आया कि जितना सोना पड़ा है उसमें से 17 किलो, ग्राम नहीं कहा मैंने, 17 किलो देखभाल वाले खा गए, देखभाल वाले ले गए। ये तो वो बात हुई कि रोटी मिली बांटने के लिए ले गए बंदर के पास, तोलने लगा, जिधर से बड़ी हुई उधर से खाली, उधर से खाली, बाकी इंसाफ के लिए जो आए गए बेरंग वो खाली उन्होंने। तो इतना पैसा है, हम पढ़ते थे गजनी आया, गौरी आया,
बाबर आया, कितने कितने लोग आए, क्यों आए, अब हमें पता लगता है कि खच्चरों में लाद करके सोना ले गए। अब हमें पता लगता है वे वाकई खच्चर गधे घोड़े लाद के सोना ले गए। कहाँ से था सोना? वो तमाम भरा पड़ा है, हमारी मांग है, ये दल की मांग है, देश के लोगों की मांग है, वो सोना देश के कल्याण में इस्तेमाल करो, देश के फायदे के लिए करो, कारखानों में लगाओ, खेती में लगाओ, शिक्षा में लगाओ, अस्पतालों में लगाओ, उसको अच्छे काम में लगाओ। सोना तो वहां पड़ा किस काम का है, लेकिन मानेगा कौन? बाबा साहब की इस बात को मानेगा कौन? ये तो फिर कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम भी ऐसे ही हवा के झोंके के साथ ही बह जाएंगे, करना ही पड़ेगा। तो मेरा तो निवेदन आप सबसे ये है, देखो एक शेर सैकड़ों बकरियों को हांक ले जाता है, बाबा साहब एक थे ना, एक पार्लियामेंट के अंदर आज जिसको सबसे ज्यादा मेरे हिंदू भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े विद्वान आदमी थे, मैं बहुत वकील भी रहे, वाइस चांसलर रहे, जज भी रहे, हिंदू कोर्ट बिल में बहस हो रही थी, मैं गैलरी में बैठा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बार बार बाबा साहब को टोकते जा रहे थे। मैंने देखा कि बाबा साहब एक बार थोड़ा गुस्से में आके कहने लगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तू अपने दिमाग से नहीं बोल रहा है, तेरे और दिमाग का है किसी का, उससे तू बोल रहा है किसी में हिम्मत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कहना, तेरा अपना दिमाग नहीं है, ये अम्बेडकर ही थे, अम्बेडकर ही थे जो पार्लियामेंट में बोलते थे तो ऐसे हो जाता जैसे सुन हो गया, खामोशी हो गई, एकदम मौन, सुनते थे लोग बड़े प्यार से, उनको कटाक्ष भी करते थे, जवाब भी देते थे, बड़े हाजिर जवाब थे। तो इसलिए उन्होंने देश के अंदर हर समस्या का, मैं तो देखो चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे कहीं ले जाओ, देश में विदेश में कोई सेमिनार रखो, किसी पॉइंट पे बहस करो, मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल जो आने वाली समस्या है देश की उसका भी समाधान अपने साहित्य में बताया है। आपको प्रोग्राम लेके चलना है, हमारी दल की संस्था इतनी बड़ी नहीं है, जितना भी हम काम कर सकते हैं करते हैं, हम कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान में आपके लाना चाहूँगा, हमारा दल रजिस्टर्ड है, एक बात, हमारा दल का दफ्तर है 32 रामबाग रोड पे, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हमें हिसाब चेक करके इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है, हमारा लिटरेचर है, अभी हमने ऊना में अपना एक मैनिफेस्टो छापा है, उस मैनिफेस्टो के बना पे हम पूरे देश में जाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और जितना सहयोग मिला उसके ऊपर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम तमाम पार्टियों को, तमाम गुटों को, जितने भी आरपीआई के इधर उधर के तमाम गुटों को, सबको लिखेंगे, कम्युनिस्टों को लिखेंगे कि भाई ये है समस्या, पहले भूमि सुधार हो जाए उसके बाद दूसरी बात को सोचो। दूसरी बात आएगी इलेक्शन सिस्टम को बदलना, ये इलेक्शन सिस्टम गलत है, ये गलत है, इसकी बजाय प्रोपोर्शनेट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें क्या होता है जिस पार्टी की जितनी वोट उतने उसके प्रतिनिधि लोकसभा में, ये होना चाहिए। बाबा साहब ने भी इसको थॉर्सन निगोशिएशन स्टेट किताब में इसको कंडेम किया है जो प्रेजेंट सिस्टम है, तो उसके बाद इलेक्शन सिस्टम को बदलने की बात होगी। अभी पार्टियों में इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इलेक्शन सिस्टम रद्दी है, इसको बदलना है। दूसरा नंबर वो आएगा, आप शहरी लोग हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, आप तो पैदा नहीं करते ना, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, नहीं उगाते ना, आपको अगर जमीन भी होगी तो दूसरा ही काम करता है, ये कौन पैदा करता है,
ये देहात का मजदूर पैदा करता है जो हमारा ही है, 100 में 80 मजदूर हमारे हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं, दिन रात खून पसीना बहा के बड़े बड़े भूमिपतियों के लिए, बड़े बड़े जिम्मेदारों के लिए काम करते हैं, उनको गुलामी से नहीं छुड़ाना क्या? वो गुलाम हैं, आजाद भारत के वो गुलाम हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि उन गुलामों को हमने भी आजाद कराना है। अंत में काम है मेरा तगैयर, नाम है मेरा शबाब, नौजवानों को कहता हूँ, काम है नाम है मेरा तगैयर, तगैयर का मतलब इनकलाब लाना, नाम है मेरा शबाब, मेरा नाम जवानी है, मुझे इनकलाब लाना है। नाम है मेरा तगैयर, काम है मेरा, नाम है मेरा शबाब, नारा मेरा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। दल ने ये आवाज उठाई है अपना मैनिफेस्टो बना के ऊना में कि संविधान को लागू करो, और हमने उसमें ठोस उदाहरण दिए हैं, उसको उधार बना के हम पूरे देश में जाने की कोशिश करेंगे। पूरे देश के लोग कल भी आए हुए थे, ऊना में पहुंचे थे, आप सबका हमें सहयोग चाहिए। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मेरा आधा परिवार कनाडा में है, कनाडा में मेरा लड़का मेरी बेटी 25 लोग हैं, मेरा छोटा भाई 59 से इंग्लैंड में है, 59 को कितने साल हो गए, 59 से इंग्लैंड में है, वो सब कहते हैं आ जाओ छोड़ दो, अब छोड़ दो आ जाओ, मैं कह नहीं, मैं सुख का जीवन जी सकता हूँ कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मेरा तो सारा परिवार आधा उधर है। मैंने कहा नहीं, बाबा साहब को जो वचन दिया है वो आखिरी दम तक लगाना है, और अगर मैं भी चला गया, अगर मैं भी सुख सुविधा में पड़ गया तो कहेंगे इस आदमी ने बाबा साहब का वचन तोड़ा है। मैं उससे कहता हूँ, अभी हमने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, ए तायरे लहूती, इकबाल का है ये, ए तायरे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, तायर के मैंने पक्षी, लहूती मैंने आजाद, एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा, ए तायरे लहूती आजाद पंछी उस रिस्क से, उस खाने से, उस भोजन से तो मौत अच्छी है जो खाने के बाद उड़ने में कमी आ जाए, जो खाने से उड़ने में कमी आ जाए, ऐ तायरे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोई कोताही। मेरे भाइयों जो चले गए हो, इस रिस्क को, इस भोजन को, इस पैसे को त्याग दो, आओ बाबा साहब के रास्ते पे कुर्बानी करे और आपका नाम इतिहास में जिंदा हो। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार मानता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।